की है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये कुरान करीम हमारे लिए किताब हिदायत है, तज़किए की किताब है, लेकिन मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इसके कुछ हुकूक हैं। कुरान करीम के हुकूक से पहले औलाद के जो हम पर हुकूक हैं, वो चार हक हैं औलाद के हम पर। चार हक हैं, कितने हक हैं भाई हम पर औलाद के? कितने हक हैं? चार हक हैं। सबसे पहला, जिसको अल्लाह औलाद की नेमत दे, चाहे बेटे दे चाहे बेटियां दे, औलाद का हक है। कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मौते में उन्होंने लिखा है, जैसा जितना बेटे को तालीम देने का हक समझते हो, ऐसे ही बेटी की तालीम का भी हक समझो, उसको भी कुरान और सुन्नत की तालीम दो। और मदीने की जिंदगी में बेटियों को भी तरबियत और तालीम के साथ आरास्ता किया जाता था, उनके ईमान का इम्तिहान लिया जाता, किताबों में मौजूद है। औलाद का सबसे पहला हक, उसका नाम सही रखो। क्या रखो भाई? आज पता नहीं क्या क्या फिल्मी नाम हमारे बच्चों में दाखिल हो गए, और अखबारी नाम, पता नहीं क्या क्या ऐसे जिद्दत के साथ नाम आए हैं, जिन नामों की मुशाबहत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बतलाए, इस्लामी नाम बताए गए, हमारे नाम वो नहीं रखे जाते। पहली नियत कर लो कि अल्लाह जब औलाद की नेमत अता फरमाएंगे, तो उसका नाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बतलाए, वो नाम रखेंगे इंशाल्लाह। पहला औलाद का हक, उसका नाम सही रखा जाए। और औलाद का दूसरा हक, उसकी तरबियत की जाए, और ये तरबियत की जगह है। अल्लाह हम सबको इसमें आने और लाने की तौफीक नसीब फरमाए। औलाद की तरबियत की जाए, मदीने की जिंदगी में औलाद की तरबियत होती थी। हम तो अपने बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, मदीने में ईमान सिखाया जाता था, ईमान सिखाया जाता था। एक माँ अपनी बच्ची का इम्तिहान ले रही है मदीने की सरजमीन पर, मदीने की बस्ती में, और बच्ची के ईमान का इम्तिहान ले रही, क्या कह रही है उसको? बेटी पानी, दूध में पानी मिला दो। माँ क्या कह रही है? बेटी दूध में पानी मिला दो। तो बच्ची ने क्या जवाब दिया? अम्मी, अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, अगर पता लग गया तो कोड़े लगेंगे, सजा मिलेगी। माँ ने अगले दर्जे का इम्तिहान लिया, इम्तिहान आगे बढ़ाने के लिए होता है। माँ ने अगले दर्जे का इम्तिहान लिया कि क्या इस चार दीवारी के अंदर हमें अमीरुल मोमिनीन उमर देख रहे हैं रजी अल्लाह ताला। तो बच्ची ने क्या जवाब दिया? अम्मी, अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला नहीं देख रहे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला का रब देख रहा है, रब देख रहा है। तो तरबियत हो, तरबियत हो मदीने में, मदीने के बच्चों और बच्चियों की ऐसी तरबियत थी कि मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज तक उन बच्चों और बच्चियों की, सहाबा और सहाबियात की मिसालें दुनिया में मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों हम बयान करते हैं कि उनके जज्बे कैसे थे। वो दुनिया वाले नहीं थे, वो आखिरत वाले थे। तो कुरान करीम ने औलाद का दूसरा हक जो उम्मत को बताया है, वो औलाद की तरबियत है। जैसे मौली साहब ने तो छोटी बात की कि ये मरने के बाद काम आएंगे, ठीक है मरने के बाद भी काम आएंगे, लेकिन यही बेटा अगर हराम कमा के तेरे घर में लाया, तो मेरे दुनिया में, दुनिया भी तेरी बर्बाद होगी, यही गलत खसलतों में मुब्तला हो गया, तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी। यही अगर गलत रुख पर चला तो तेरे खानदान की हलाकत का, तेरे घर की हलाकत का सबब और जरिया यही औलाद बनेगी। इसलिए दूसरे नंबर पर औलाद की तरबियत है, और तीसरे नंबर पर बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम दो। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उम्मत को धोखा लगा आला तालीम हमने किसी और चीज को समझा। ये तो हसरत और अफसोस के साथ ये हाथ चबाना शुरू करेगा कल क्यामत के दिन कि अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी थी, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी थी, मैं उस जिंदगी को कहाँ लगा कर आया, काश के मैं अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान करीम की तालीम देता। ये तेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का सबब बने। मैंने तो जिंदगी में तजुर्बा किया है, जिंदगी में तजुर्बा किया है कि जिसने भी अपनी औलाद को पढ़ाया है, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाई है। क्यों? कुरान करीम में वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिहि वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूलों के लिए, और इज्जत ईमान वालों के लिए है। ईमान, और ये ईमान वाले ये कुरान वाले हैं। अभी ये हमारे भाई वजीर बैठे हैं, जिनके बेटे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब हैं, इनके दूसरे बेटे आलिम हैं, हाफिज हैं, इनके पोते हाफिज बन गए। अभी इब्तिदा में ये जमात में लगे भाई वजीर साहब,
अल्लाह ने इनके इस जमने पर दुआ मांगने पर अल्लाह ने खानदान में कितने आफत अता फरमाए। बरादर अजीम मौलाना बैठे हुए, इनके वालिद साहब गरीब फैमिली के आदमी थे, गरीब फैमिली आदमी, सारे बच्चों को पन्नू अकल तक कुरान पढ़ाया, सखर अशरफ ये तक पढ़ाया, उलमा से मोहब्बत की और अपने बच्चों को दीन और दीनदारों के साथ जोड़ा। अभी मौलाना बतला रहे थे ना, हम छह बच्चे तो भाई हैं, इनकी नवासे पोते पता नहीं कितने होंगे और मौलाना के कितने सैकड़ों शागिर्द हमारे हदीस के उस्ताद हैं मौलाना। अब सारे का सारा अजर मौलाना के वालदेन को जा रहा है।